तो YouTube पे कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे YouTube के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि मुझे पहले पता नहीं थी, एंड आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को शेयर करने वाली हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज YouTube इज अ लॉन्ग गेम। जब मैं आपके जैसे YouTube पे सर्च करती थी हाउ टू ग्रो ऑन YouTube एंड उसके बाद मैं सारे वीडियोस को बिंज वॉच करती थी, सारे वीडियोस को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था नाउ आई नो एवरीथिंग अबाउट YouTube एंड YouTube पे एक वीडियो डालते ही मैं वायरल चल जाऊंगी। और जैसा कि कहा जाता है कि बुक पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए पानी में डूबना पड़ेगा या फिर कूदना पड़ेगा, वैसे ही आफ्टर अपलोडिंग कुछ वीडियोस, पहली वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे पहला प्रॉब्लम ये आया कि मेरे को कंटेंट आइडियाज ही नहीं आ रहे थे कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, एंड इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो जैसे जैसे मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करना शुरू करते गई वैसे वैसे चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं करती थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं पता था किस तरीके से टैग्स डालने हैं, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना है, एंड वीडियो को एडिट करना भी सीखना था। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे जो मैं करते करते सीखी हूँ। एंड ऑल्सो आई रिकमेंड अगर आप मतलब YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड भी करें, देन यू विल लर्न मोर। बिकॉज पहले के एक साल या फिर 6 महीने आपको YouTube के बारे में सीखने में ही आपको टाइम लग जाएगा। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग अपना पहले वीडियो डाल के वायरल हो जाते हैं, बट मेजोरिटी लोगों को बहुत टाइम लगता है जिनका Instagram ऑलरेडी ग्रो नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो मैंने ये भी डिस्कवर किया है कि अगर आप चाहते हैं कि YouTube आपके चैनल को डिस्कवर करे, उसके लिए आपको YouTube पे कंसिस्टेंटली वीडियोज को अपलोड करना पड़ेगा। ऑल्सो आपका वीडियोज ऑप्टिमाइज होना चाहिए सो दैट आपके वीडियोज YouTube पे रैंक कर सकें। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज अपने चैनल पे डिटेल में बताया, यू कैन चेक आउट माई चैनल इज वेल। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई लर्न अबाउट YouTube, फॉलिंग फॉर सब टू सब। वैसे ये चीज़ मैंने खुद ने कभी नहीं किया है क्योंकि मुझे पता था इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते हैं। एंड इवन इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे मैसेजेस एंड डीएम्स आते होंगे, आई मीन लाइक आपके यूट्यूब के कमेंट्स में आपको सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल सब्सक्राइब योर्स। एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन द शॉर्ट टर्म, लाइक ये सब फॉर सब एक बहुत ही फेमस चीज़ है जो स्मॉल क्रिएटर्स करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। इवन ये इतना ज़्यादा फेमस है कि इस चीज़ को करने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है आज के टाइम पे, जहाँ पर आप एड्स देख करके अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आई मीन ये भी पॉसिबल है, बट मेरा मानना ये है कि इस जब हम सब्सक्राइबर्स टू सब्सक्राइबर्स वाला सीन जाते हैं, कि जब सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सब फॉर सब मेथड का यूज करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज है। बिकॉज बी ऑन यूट्यूब पे हम वीडियोस इसलिए अपलोड कर रहे हैं सो दैट हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना पाए या फिर एंगेजमेंट हमारे चैनल पे आ सके। एंड आई नो कि सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज ये सारे मेट्रिक्स हैं अपने चैनल की ग्रोथ को मेजर करने के लिए, लेकिन अगर एंगेजमेंट की बात की जाए करते हैं सब को सब मेथड को जब हम फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी आपको सब्सक्राइब किया है आपके चैनल को इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया है कि आपका चैनल को पसंद करते हैं या फिर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बल्कि उन्होंने आपको इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं। बट इस केस में आपको 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप इस टाइप के मेथड्स को यूज़ करेंगे तो। एंड ऑल्सो ये सारे मेथड्स ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एंड वो टाइम को हम यूटिलाइज करके एक अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हैं। एंड इस मेथड को यूज करने के बाद आपका CTR दैट इज क्लिक थ्रू रेशियो भी डिक्रीज होता है। मूविंग ऑन टू द थर्ड, कॉन्टेंट आइडियाज की कमी। ट्रस्ट मी ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक होती रही कि मुझे कंटेंट आइडियाज ही नहीं आते थे। आई मीन जब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया उसके बाद 2 महीने तक मुझे बिल्कुल दिमाग में कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे थे कि मुझे किस बारे में अपलोड करना चाहिए, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो किस चीज में होने चाहिए। अक्टूबर तक मैं बहुत ही रैंडमली कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियोज अपलोड कर रही थी, एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक नीश के ऊपर वीडियोज अपलोड करना चाहिए, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि मैं इस तरह की वीडियोस भी बनाती हूँ। एंड प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमारे पास कंटेंट आइडियाज नहीं हो तो इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड यूट्यूब के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर इस प्रॉब्लम को मैंने फाइनली सॉल्व कर लिया है, मैंने ऑलरेडी 50-60 वीडियो आइडियाज लिख रखे हैं जो कि मुझे अब बनाने हैं। एंड ऑल्सो जब भी मुझे कुछ नया वीडियो आइडियाज आता है तो मैं तुरंत गूगल कीप में उस आइडिया को लिख लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो चैनल पे इनकंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मेरे को आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं। सो इसीलिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज लिख रखे हैं, एंड आई रिकमेंड यू द सेम। एंड द फोर्थ वन इज कॉपीराइट इश्यूज। तो ये चीज मुझे बहुत टाइम तक पता नहीं थी कि अगर हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं तो कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं, एंड ऑल्सो उसका जितना भी मोनेटाइजेशन है उसके जितने भी पैसे होंगे वो उस कंपनी को जाएंगे, एंड आपका मोनेटाइजेशन उसमें कैंसिल हो जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप वल्गर कंटेंट अपलोड करते हैं, अगर आपका कोई भी कंटेंट वल्गर है या फिर रॉन्ग वर्ड्स का अगर आप यूज करते हैं, इन दैट केस एज वेल आपका मोनेटाइजेशन कैंसिल हो सकता है।
तो जैसा कि हमें पता है कि अच्छी YouTube वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो क्वालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑडियो क्वालिटी है। एंड इस ऑडियो को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे म्यूजिक का यूज करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं। एंड अगर हम कभी भी पॉपुलर बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करते हैं, इन दैट केस जिसका सॉन्ग है वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम डाल सकता है। एंड उसके बाद जितना भी आपने वीडियो से अर्न किया होगा वो आपका डीमोनेटाइज हो जाएगा एंड उसके सारे पैसे वो म्यूजिक चैनल को जाएगा। आप अपने वीडियोस को पब्लिक में शूट करते हैं एंड बाय चांस एंड बैकग्राउंड में वो पॉपुलर म्यूजिक बज रहा है, इवन तो वो क्लियर नहीं है, इस केस में भी आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। मे बी आज ना आए, कल ना आए, एक साल या फिर दो साल बाद भी आ सकता है। एंड उसके बाद आपका वो वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा एंड उसके जितने भी पैसे होंगे उसके म्यूजिक चैनल को जाएगा। एंड अल्सो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलर सॉन्ग्स मिल जाएंगे, नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स, आप वहां से भी डाउनलोड करके अपने वीडियोस में डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकता है, अगर इस म्यूजिक चैनल के कभी क्रिएटर ने अगर अपना कॉपीराइट क्लेम चेंज कर दिया, इन दैट केस अल्सो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इस केस में कॉपीराइट क्लेम जब भी आता है तो आपको अपने म्यूजिक को रिमूव करना होता है बैकग्राउंड से। तो ये थे कुछ ऐसे चीजें जो मुझे नहीं पता था जब मैं अपने YouTube चैनल को शुरू कर रही थी, एंड नाउ आपको ये सारी चीजें पता हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।